हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आपको बता दूँ, NMSS यानी राष्ट्रीय आयस ऑफ मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा क्लास 8 का जो 22 जनवरी 2023 को लिया गया था एग्जाम, उसका दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप रिजल्ट को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करके सर्च करना है SCERT, ठीक है, SCERT बिहार, ये सर्च कर देना है आपको गूगल में। सर्च करने के बाद जो है कि आपके सामने जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा, SCERT बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार करके, SCERT.bihar.gov.in, उस पर क्लिक करके जो है कि आपको ओपन कर लेना है। ओके, जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिजल्ट, क्या क्या देखने को मिलेगा, डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा रिजल्ट। रिजल्ट में दोस्तों दो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, NTSC और NMMSS, ठीक है। तो दोस्तों आपको NMMSS वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना है। आपका एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होगा दोस्तों, उसको जो है कि यहाँ पे फिल कर लेंगे। ओके, तो आइए मैं आपको लाइव ही दिखा दे रहा हूँ डाउनलोड करके रिजल्ट आपको। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर में रोल नंबर फिल करने के बाद आपको एग्जामिनेशन डेट चूज कर लेना है। तो दोस्तों 22 जनवरी को इसका एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे मैं 22 जनवरी चूज कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है दोस्तों कुछ नंबर्स, उसको जो है कि इस बॉक्स में सेम देखकर फिल कर देना है। उसके बाद आपको एक बटन मिलेगा सबमिट का, तो आपको फाइनली सबमिट कर देंगे। ओके, तो दोस्तों सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच। तो दोस्तों सर्वर इसका थोड़ा स्लो है, इसको आप पेज को जो है कि रिफ्रेश कर लेंगे 2-3 बार, ठीक है, और रिफ्रेश करते रहेंगे और आपका जो है कि रिजल्ट शो होने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पेज रिफ्रेश करने के बाद फाइनली यहाँ पे NMSS रिजल्ट जो है कि यहाँ पे शो हो चुका है, और यहाँ पे नेम, फादर नेम और स्कूल नेम यहाँ पे शो कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैट में यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट में यहाँ पे इतना नंबर आया और इतना नंबर आपको, ये ग्रैंड टोटल में आपको यहाँ पे 100 मार्क्स, 180 मार्क्स टोटल का था और 104 मार्क्स जो है कि आया हुआ है। और यहाँ पर रैंक भी आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इस प्रोसेस को फॉलो करके जो है कि अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और इसको प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर PDF में सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स और जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।